मध्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत नलों के जरिए घर घर पानी उपलब्ध कराने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट है। इसका नजारा हमें मुरैना जिले के सबलगढ़ के ग्राम पंचायत समीलपुर एवं जलालगढ़ पंचायत का काजीपुरा गांव में देखने को मिला, जहां जल जीवन मिशन के तहत जलालगढ़ गांव में पानी की टंकी का निर्माण हुआ। साजीपुरा गांव के लिए पानी की पाइपलाइन भी डाली गई, घर घर कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन गांव तक पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि 4 बोरवेल में से एक बोरवेल का उपयोग पानी की टंकी को भरने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की टंकी नहीं भर पा रही है, जिस कारण साजीपुरा गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। यही हाल दूसरे गांव सलेमपुर का है, जहां गांव के लिए पानी की टंकी के निर्माण से लेकर पाइपलाइन तक डाली जा चुकी है और घर घर पानी के कनेक्शन कर दिए गए हैं, लेकिन आज तक गांव में बनी पानी की टंकी को भरा तक नहीं गया है, जिसकी वजह से इन दोनों गांव के करीब 500 परिवार 1 किलोमीटर दूर खेतों पर लगे हैडपंप व प्राचीन कुआं से पानी लेने जाते हैं। हमारे यहाँ पे 4 बोर हुए थे, जिसमें से एक की सप्लाई हो रही है, एक मोटर पानी दे रही है। 3 बोर की कंडीशन ये है कि वो अभी बंद पड़े हैं, जिसमें से एक बोर की मोटर अंदर चली गई है, एक बोर में मोटर ही नहीं है और एक बोर का भी पानी ही नहीं है उसमें। अगर चारों में चारों चालू हो जाते हैं तो गांव की समस्या का समाधान हो जाता है, गांव को वाटर सप्लाई हो जाती है। अगर एक से ही चलता रहा तो पूरा का पूरा दिन अपना पानी टंकी भरने में निकल जाता है, तो गांव में पानी कैसे पहुंचे? अगर चारों में मोटर डल जाती है तो गांव की समस्या का समाधान हो जाए। ऐसी समस्या बहुत खराब हो रही है, अब बड़े बूढ़े आदमी है गए, हम पे चलो जाए नहीं, और दूते आरमे ते पानी ला ला के हम मत चले, और पीवे को उतना ने कैसो, और जिन नल लगा दे हैं पानी की बूंद आई ना ने देख वे को नल लगा दे, जब मवेशी छोड़ दे का करें, हमारे को पानी पीवे उतना ने तो जब जी भैंस पैसे ने को किता को करे का करे अब जा मवेशी को पानी का मगर मारे का जब बहुत परेशानी आ रही है यार। हमें तो पानी ढोड़ रखे हैं, बच्चन ले लेके हैं और पानी पूरा दिन पानी ढोते हैं वहाँ, और माए का पानी की बूंद उन्होंने कैसे करते हैं, मन का पानी चाहिए नल लगा दें तो कौन से मतलब नल लगे हैं, नल में पानी की बूंद उन्होंने आ जाए। वही एडीएम नरोत्तम भार्गव का कहना है कि जिले के प्रत्येक गांव में पेयजल की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सभी जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया है। अगर कहीं इस तरह की कोई समस्या आ भी रही है वो अपने नाम बताएं, उनको हम चेक करा लेंगे। पता चल रहा है जल जीवन मिशन और उसमें बहुत डिटेल मीटिंग कल हुई है और ईपीएचसी से सभी जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया है कि जिन गाँव के आप नाम बता रहे हैं और इन सहित पूरे जिले में प्रत्येक ग्राम में पेयजल की कोई असुविधा ना हो, और यदि कहीं इस तरह की समस्या आ भी रही है तो आपने जो नाम बताए हैं इन गाँव को हम प्रायोरिटी में चेक करा लेंगे, और प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध कराना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, अन्यथा कल मीटिंग में बताया बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन और प्रशासन की उदासीनता के कारण ग्रामीण पानी के लिए परेशान है, हालांकि अब देखना होगा कि एडीएम के बयान के बाद क्या ग्रामीणों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैलारस से जुनेद पठान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।